मेहनत करना इंसान का काम है और उसका फल देना अल्लाह ताला का काम है। वो फल देगा इंशाल्लाह। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे किसी को हमारी वीडियो पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी, तो जिसे हमारी वीडियो पसंद आएगी वो हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनेगा। तो जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी यूट्यूब की, तब जाकर अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है, हम सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। अच्छा जी, वीडियो हम लोग जो है ना इधर उधर की बातें नहीं करने के लिए बना रहे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो आपने थंबनेल देखा है ना उसी के मुताबिक बात करेंगे। बेगम साहिबा काफ़ी परेशान थी आज, माफ़ कर दीजिएगा, बेगम साहिबा आज परेशान थी, तो मैंने इससे पूछा कि वजह क्या है, क्यों परेशान हो? तो इसने मुझे तो बताया, मैंने तो सुन लिया कि क्यों परेशान है, वजह क्या है इसकी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने पूछता हूँ कि आप लोगों को बताती है इसकी असल परेशानी की वजह क्या है, फिर आगे मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि मैंने इससे क्या कहा और मैंने इसे क्या जवाब दिया है। ये बेगम साहब बताइए, आप व्यूवर्स को देख कर बताना। वजह और तो कोई नहीं है मेरे बहन भाइयों, यही वजह थी। थोड़ा ऊँचा बोलो ना ताकि आवाज़ भी जाए। वजह और तो कोई नहीं है, यही वजह थी कि 1.5 महीना 2 महीने होने को है हमने चैनल बनाया है, ना हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइब व्यूज नहीं आते हमारे चैनल पर। बाकी भी देखती हूँ बाकी बहन भाइयों के, जैसे रावी आप ही हैं, बाकी भी सब हैं, सबके चैनल हैं, सब अपने चैनल वालों को देखती हूँ कि सबके इतने इतने व्यूज होते, किसी के लाखों में हज़ारों में, हमारे तो बस होते ही होंगे बस 15-20 इतने आते होंगे, इसीलिए बस परेशान हो जाती हूँ भी क्या पता नहीं चलता है नहीं चलता, क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो कबीर के बाबा कहते हैं कि ऐसा ऐसा आखिर हो जाएगा, बस परेशानी इसीलिए होती है बस, और कोई परेशान, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आप सब लोगों की सपोर्ट भी साथ है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इसलिए थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, और कोई परेशानी नहीं है। बस हो गया आपकी बात, कर ली, अरे मैं बात करूँ? आप करें, आप करें, नहीं कोई बात करनी, आप करो ना, खुल के बात करो, मसला कोई नहीं है। आप यही बात है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी किया करें। नहीं वो तो ठीक है ना, जो परेशानी है वो बताओ, वो तो ठीक है, वो तो बात का मसला, वो तो परेशानी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह की, जात पाक का जो है गुजर है। अच्छा जी व्यूअर्स, आपने बेगम साहिबा की बात सुनी है, मैं तो क्योंकि मुझे तो पता है ना कि क्या मसला होता है क्या नहीं होता, कि हर बंदे के नसीब में जल्द शुरू में ऐसा नहीं है कि बंदे जादू की छड़ी है बंदा घुमाएगा और रात ही रात आपका चैनल जो है ना वायरल हो जाएगा, वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, बंदा मेहनत करता है, वीडियो बनाता है। अभी हमें 1.5 महीना सारा हुआ है, 45 वीडियो गालिबा हो चुकी है हमारी। तो ऐसे भी मैंने चैनल देखे हैं जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल भी मेहनत की है। तो हमारा तो व्लॉग चैनल है, और बहुत ऐसे जो क्रिएटर हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्हें भी 3-3 साल 4-4 साल लगे मेहनत करने में। तो हम तो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में भी, नए हैं। अलबत्त मैं तो समझता हूँ थोड़ा बहुत इस चीज़ को, क्योंकि यूट्यूब पर भी एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन के थोड़ी बहुत मतलब कि ना ऑनलाइन खबरें वगैरह भी देखते रहते हैं, यूट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं, गूगल का भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी जो दूसरी जो इंटरनेट की जो चीज़ें हैं उन्हें भी इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ों का पता है। बेगम साहब ने जब मुझे बताया तो मैंने बेगम साहब को समझाया कि हम लोग नए हैं, अभी हमें इतना तजर्बा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं आता, कुछ झिझक है, शर्म सी आती है। तो शुरू में मैंने भी 1-2 वीडियो में ये बात बताई है, ये भी लेकिन हो सकता अभी है, पता नहीं हमारी बात समझ नहीं आती, हमारी जबान समझ नहीं आती, या अंदाज बोलने का समझ नहीं, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है, इसलिए मैं कहती हूँ परेशान कुछ हो जाती है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको इसका जो कहने का मकसद है ना, असल में ये पता क्या कहती, मुझे कहने लगी कि पता नहीं क्या वजह है, हमारा इतना बड़ा घर नहीं है, हमारे घर में वो सहूलतें नहीं है, अच्छा किचन नहीं है, अच्छी कुकिंग की वीडियो भी हम नहीं बना सकते। मैंने कहा हमारा कुकिंग चैनल तो है नहीं, तो हम कुकिंग की वीडियो क्यों बनाएं? हाँ अलबत्त जो हमारी घर के व्लॉग में थोड़ी बहुत रूटीन होती है तो वो हम बता देते हैं, हम ये चीज़ पका रहे हैं, ये छोटा मोटा जो बताना होता है वो कुछ कर देते हैं कि आज ये पका रहे हैं, ये चीज़ पका रहे हैं, छोटा मोटा। कुकिंग चैनल तो नहीं है कि हम पूरी प्रॉपर जो है ना एक अच्छा सा कुकिंग का सेटअप दिखाएं, किचन दिखाएं अच्छा सा। तो ये कहती है हमारा घर बड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और यूट्यूबर के जैसे मेहमान है वो दिखाते हैं, हमारे मेहमान भी आते हैं, हम उन्हें नहीं दिखा सकते,
क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहते कोई कुछ कहता नहीं ना, तो हम किसी की प्राइवेसी को हम किसी और की प्राइवेसी, हमारे रिश्तेदार है वो यूट्यूब पर नहीं आना चाहते, उनकी तस्वीरें भी नहीं है, वो नहीं आना चाहते, हम उन्हें लेके क्यों आए? चैनल हमने अपने लिए बनाया, दूसरों के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए तो नहीं बनाया ना। हम अभी जो हमारी यूट्यूब फैमिली, हमें देखने वाले जो यूट्यूब पर हमें देखेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा वो बन रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो मामला ऑनलाइन का है ना, समझ में जो आता है वो मैं सोचती हूं। अभी अच्छा, अभी आप लोग, आप भी जो ना खुल के ना बातें सुन रहे हैं कि असल में इन्हें पढ़ी लिखी, वो एक होता ना बंदा पढ़ा लिखा तो उसे ज़्यादा पता होता है। मेरी बेगम ने मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो चुके हैं, वीडियो कॉल करनी हो या टेलीफोन सुनना हो, वो भी घर में मैंने छोटा सा एक मोबाइल लेके दिया हुआ टच हल्का सा, तो बाकी टच मोबाइल मेरे पास है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, इसे तो बाकी चीज़ों का पता नहीं है। बार बार मैंने इसे समझाया कि आप थोड़ा हौसला करें, सब्र से काम नहीं, इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता। 2-4 महीने 6 महीने 1 साल हम मेहनत करेंगे, हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे, किसी को हमारी वीडियो पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी, तो जिसे हमारी वीडियो पसंद आएगी वो हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनेगा। तो जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी यूट्यूब की, तब जाकर हमें अर्निंग भी होगी, हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो करेगा, फैमिली भी बढ़ती जाएगी, हमारे व्यूवर्स भी बढ़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम आपके 100 सब्सक्राइबर हों, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देखें। कोई बंदा वैसे भी सब्सक्राइब कर देता है, चले भाई ये नया बंदा है इसकी सपोर्ट कर दें, किसी बंदे को वीडियो पसंद नहीं आती तो जैसे वो आप होते हैं, देखो थोड़ी सी वीडियो होती हैं तो वो कितने व्यूज होते हैं। भाई ऐसा नहीं है ना, वो किसी के वो एक अलग मामला, आपको नहीं पता ना, पर कुछ यूट्यूबर है आप जिनके जिनको मैंने 2-4 यूट्यूबर की आपको वीडियो दिखाई ना व्लॉग चैनल वालों की, उनके अब रिश्तेदार, किसी का बड़ा भाई, किसी की बड़ी बहन, किसी का अबू, किसी मतलब के रिश्तेदार, उनके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। जब वो उनको प्रमोट करते हैं, एक दिन वो वीडियो बनाते हैं, पहली वीडियो पर उनके लाखों व्यूज आ जाते हैं, हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं, उनका वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है और उनके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं, चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, 2 से 3 महीने के बाद उनकी अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है। वो एक अलग मामला होता है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है इस फील्ड में, कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है ऐसा यूट्यूबर जो बड़ा यूट्यूबर हो जिसे हम कहें जो हमारा हमारे चैनल को प्रमोट करे। और दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं रखता कि कोई हमारे चैनल को हम किसी से प्रमोट नहीं करवाना चाहते, सॉरी हम किसी से ना प्रमोट नहीं करवाना चाहते, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाना चाहिए, करवाना भी चाहिए, जो जानने वाले होते हैं वो करते हैं, तो आना जाना भी लगा रहता है यूट्यूबर का एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए, खुद इंसान को अपने मेहनत के बलबूते पर ना इंसान मेहनत करे, और थोड़े वक्त लगता है, 6 महीने 1 साल हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। अब देखें हमारा जो मसला है ना वो है व्यूवर्स के साथ, अगर व्यूवर्स को हमारे बात करने का तरीका, हमारी फैमिली का जो रिलेशन है, हमारा उठना बैठना ये पसंद आएगा, हमारा बात करने का तरीका, हम जो चीज़ें दिखाते हैं वो पसंद आएंगी, तब जाकर हमारी फैमिली बढ़ेगी और हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं, अगर ये चैनल ग्रो नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है मैं मायूस होकर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं मायूस होकर बैठूंगा नहीं, ये चैनल नहीं पता ना आपको, मुझे पता नहीं है, अगर ये चैनल हमारा कामयाब नहीं होगा, ये चैनल ग्रो नहीं करेगा किसी भी वजह से, किसी भी वजह से अगर ये चैनल ग्रो नहीं करेगा तो मैं एक और चैनल बना लूंगा। इसमें कोई यूट्यूब पर इतने सारे चैनल बने हुए, मेहनत करना इंसान का काम है और उसका फल देना अल्लाह ताला का काम है, वो फल देगा इंशाल्लाह, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी भी यूट्यूब जो फैमिली है ना वो बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करनी थी कि वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अगर हमारी ये वीडियो किसी भाई ने भी देख, जिस भाई ने ये वीडियो देख लिए इस जगह तक जहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ, इस जगह तक अगर जिस भाई ने वीडियो देख लिए तो वो जैसे सपोर्ट करने वाला कमेंट होता है जिससे हमारी हौसला अफजाई हो, और वो कमेंट मैं बेगम साहबा को पढ़कर बताऊंगा कि ये उर्दू तो पढ़ लेती है, इंग्लिश नहीं पढ़ सकती लेकिन उर्दू पढ़ लेती है, अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो वो उर्दू में कमेंट कर दे ताकि ये खुद पढ़ ले और इनको उसका मतलब समझ आ जाए। सपोर्टिंग जो सपोर्टिंग वाला कमेंट होना आप वो कमेंट करना ताकि इन्हें हौसला मिले और ये भी दिल खोलकर पूरे जोश के साथ जज्बे के साथ हिम्मत करके वीडियो बनाती रहें साथ में, क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है। हमारे चैनल पर अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं देखा, विज़िट नहीं किया तो आप चैनल पर विज़िट करके देख लें, हमारी वीडियो में हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, हमने
कोई ऐसी वैसी जैसे मतलब कि आप देख लेंगे तो जो कमो पेशी होगी आपको पता चल जाएगी, अगर उसमें कोई कमी है, कोई कोताही है, या हमने कोई गलती की है, हम वीडियो सही नहीं बना रहे, हम सही बात नहीं कर रहे, वीडियो बनाने का तरीका नहीं है, मतलब जो मिस्टेक होती है। अब देखने वालों को ज़्यादा पता, हमें नहीं पता, हमारी नज़र में हम जैसे बना रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं, किसी को गलत कहना भी नहीं चाहिए, हम क्यों कहें नहीं। तो जो देखने वाले ना उसे पता, वो देख रहा होता है कि हाँ भाई आपके वीडियो में ये कमी है, आप इस कमी को पूरा करें, तो आप वो कमेंट, आप वो कमेंट के अंदर लिख दें ताकि हमें भी पता चलेगा, हम नेक्स्ट टाइम जो है ना आने वाली वीडियो में वो गलती ना करें, उससे बेहतर वीडियो बनाएं, और हमें भी सपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बस आप लोगों से यही कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि बेगम साहब को भी सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको दिल, आपका दिल करता है आप चैनल पर पहले विज़िट करें, ये वीडियो देखने के बाद भी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप चैनल पर विज़िट करें, हमारी वीडियो देखें, उसमें जो गलती है आप हमें वो बताएँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करें, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हमें सपोर्ट बेशक ना करें, हम आपसे ज़बरदस्ती सपोर्ट नहीं लेना चाहते। हाँ ज़बर, क्योंकि हम कोई वो सुपरस्टार तो नहीं है कि रात को हम वीडियो डालेंगे, वो हमारा फेस भी मशहूर नहीं है कि हमारे जैसी तस्वीर आएगी थंबनेल पर, हमारे वो तस्वीर लगी होगी या हमारा चेहरा सामने आएगा तो फौरन उसको क्लिक कर लेंगे और वीडियो देखना शुरू कर देंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, रातों रात जो है ना जादू की छड़ी घूमेगी और हमारे लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो इतनी ही बात करनी थी, आप लोग जो है ना अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मैं तो इजाज़त लेने लगा, अगर आपने कोई बात करनी है तो आप कर लें, बस वीडियो ख़त्म करते हैं, मैंने जो कहना था वो कह दिया, दिल अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर बताएंगे मेरे बहन भाई। हाँ वो खुद ही बता, जिन्होंने जो जो भाई भी वीडियो देखेंगे तो वो बताएंगे ज़रूर कि हमारी इस वीडियो के अंदर जो है ना क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है कि इस वीडियो के अंदर क्या गलती है, अगर हमारी कोई गलती है तो आपने ज़रूर बताना है हमें। तो बड़ा मेहरबानी, बस इतनी दरख्वास्त थी कि अगर हो सके तो हमें सपोर्ट करना, अगर नहीं दिल करता तो आप लोग सपोर्ट मत करना। इस वीडियो में मैं सब्सक्राइब कर भी नहीं कह रहा और लाइक का भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कहना हमने इस वीडियो में, हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था ताकि इस वीडियो के बाद जो रिएक्शन आएगा आप लोगों का वो मैंने वीडियो बेगम साहबा को पढ़ के बताना है, या उर्दू में होगा तो ये खुद ही पढ़ लेंगे, मैं दिखा दूँगा ये खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है जी, वीडियो इधर ही ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग इसे ज़्यादा चाहते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।